नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। मेरा देश बदल रहा है, ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और ये शब्द तब कहे गए जब इस देश के किसानों के लिए उन्होंने नया शब्द गढ़ा, और वो शब्द था अन्नदाता। लेकिन आज की तारीख में लगता है वाकई देश बदल चुका है, क्योंकि आज तक किसानों को खेत खलियानों में पसीना बहाते हुए देखा गया था, लेकिन अब सड़कों पर खून बह रहा है किसानों का। इस देश ने देखा है सिंचाई और पानी के लिए किसान कैसे संघर्ष करता है, लेकिन सड़क पर पानी की बौछारों से उसे पीछे धकेलने पर सत्ता आमदा है, सरकारें आमदा है, और इस देश ने देखा है कि हल ट्रैक्टर तक किसी तरह से व्यवस्था कराने से ये किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है जिससे वो अपने खेत को जोत सकें। लेकिन आज की तारीख में ट्रैक्टर भी चले लेकिन सड़कें खोदी गईं। सत्ता ने सड़कें खोदी और इस देश के भीतर में किसानों की पंचायतों को भी देखा गया, और पहली बार ठीक संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पर समांतर संसद भी किसानों ने सजा कर देख ली। उसमें अलग अलग तरीके से प्रस्ताव भी पास किए गए, और इस दौर में किसानों की खुदकुशी की खबर भी आम हो चुकी है। लेकिन पहली बार आंदोलन के दौर में भी 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, और इस देश में उफ तक नहीं कहा किसी ने। जबकि जिस दौर में किसान आंदोलन कर रहा है उसी दौर में इस देश में राशन का बाजार बढ़ता चला गया, और जो अपने तरीके से खुदरा बाजार है, जो सीधे सीधे बड़े व्यापारियों नहीं बल्कि छोटे बड़े बड़े कॉरपोरेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट के कब्जे में है, उसने तकरीबन 45,000 करोड़ इसी आंदोलन के दौर में लगा दिए, जिससे राशन पानी वो बेच सके और उसके मुनाफा उसे मिल सके। इसी दौर में इस देश की खेती ब्रांड में तब्दील होती चली गई, लेकिन सड़क पर किसान का खून, खुदी हुई सड़कें, पानी की बौछारें, लाठीचार्ज, सब कुछ हर किसी ने देखा है और मौत भी देखी। याद कीजिए साल 2017 जून का महीना और 6 जून का दिन, मंदसौर में गोलियां चली थी, 6 किसानों की मौत हो गई थी। उस वक्त एक कमेटी बैठी थी, जस्टिस ए.के. जैन की। उस कमेटी ने जब रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में गोली चार्ज जो दिया गया था उसको न्याय संगत बताया गया, और कहा गया कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए वो गोली चलाई है, और उससे निकलकर जब आप करनाल पहुंचेंगे तो कुछ दिन पहले की घटना है जब किसानों का खून बहा और किसानों का सर फोड़ देने का आदेश जो SDM दे रहा था, उस संदर्भ में भी DM ने कहा कि ऑफिसर बड़ा संजीदा है, उसके इरादे नेक हैं, लेकिन उसे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। मंदसौर में 6 किसानों की मौत और करनाल में 60 से ज्यादा किसानों का घायल होना, उसमें से एक किसान इलाज कराते कराते मर गया, और इन सब के बीच किसानों ने मांग रखी कि दोषी अफसरों पर FIR दर्ज हो, मृतक किसान के परिवार को मुआवजा और नौकरी दी जाए, घायलों को 2-2 लाख की मदद मिले, और 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन हम आपको करनाल की जो बात बता रहे थे उसके बाद वहां कुछ नहीं हुआ, किसानों की महापंचायत हुई, लेकिन लगता है कि पहले सिलसिले को समझना चाहिए और उसके बाद जिक्र होना चाहिए कि किसानों को अब क्या करना चाहिए। ये सवाल शायद सबसे बड़ा है, और किसान भी बीते करीब 10 महीनों से आंदोलन कर रहा है। वो बार बार कहता है हमारा तरीका गांधीवादी है, बार बार कहता है अपने तरीके से हम पॉलिटिकल नहीं हुए, लेकिन 2024 तक हमारी बैठने की तैयारी है, इसका मतलब और मायने जो भी निकाल लिए जाए, लेकिन इस दौर में आंदोलन को अब एक नई समझ विकसित करनी होगी। इस सवाल से पहले, क्योंकि करनाल में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से वहां लाठीचार्ज हुआ, सर फोड़ दिए गए, ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं, तो 2017 की घटना हमने आपको बताई, और इसीलिए किसानों के इस बैठक के बीच में किसान भी मौजूद थे जो मंदसौर में किसानों की अगुवाई 4 साल पहले कर रहे थे। वहां से शिवराज, जो काका जी के नाम पर हैं, जो एक वक्त में RSS के साथ थे, जो किसान संघ है उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वहां से वो निकल कर आए, और उन्होंने किसानों के संघर्ष और किसानों के हक के सवालों को एकजुट किया, और मंदसौर का आंदोलन शुरू हुआ। उस दौर में एक सेकंड के लिए इसलिए चलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में ये सारी चीजें जो भी हैं, इसका मतलब है कि किसान को कुछ नहीं मिलेगा। अब बात जरा आज की कर लेते हैं। दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की मौत भी हो चुकी है। पुलिस का कहना था कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी जान गई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद इसको लेकर ज्यादा जानकारी दी जा सकेगी। बता दें भारत बंद की वजह से कई नेशनल और स्टेट हाईवे भी ब्लॉक कर दिए गए थे, कई रूट डाइवर्ट करने पड़े, ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित
प्रभावित हुई। दिल्ली से जाने वाले कई ट्रेनें रद्द की गई। प्रदर्शनकारी किसानों की योजना सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम रखने और विरोध प्रदर्शन करने की भी रही। ऐसे में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस बंद का ज्यादा असर दिखाई भी दिया। तो ऐसे में आज जो भारत बंद का असर देखने के लिए मिला, तस्वीरें कई सामने आई, जिससे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसानों की लड़ाई सीधा सरकार से है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आम जनता पिसती हुई नजर आती है। और इसीलिए सवाल आज जो हमारे साथ तमाम मेहमान अभी जुड़ने वाले हैं उनसे करेंगे, सभी से सीधे तौर पर सवाल पूछा जाएगा। तो अभी बता दें, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता चंद्रशेखर पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार आरके मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और किसान नेता अभिषेक पवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक पवार। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी, आज जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया था, असर भी इसका देखने के लिए मिला, कई जगहों पर देखा गया, कई जगहों पर नहीं देखा गया, लेकिन देखिए कि जिस तरह से आप लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं भी जब आपका आंदोलन फीका पड़ता नजर आता है, आप एक नई रणनीति के साथ आ जाते हैं, तो क्या अटेंशन सीक करने की जरूरत पड़ रही है अब किसानों को? देखिए, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है और 10 महीने से मेरे देश का किसान गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा है और वहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान मर जाते हैं, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे पैनल में बहुत लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता यहाँ पर उपस्थित है जी। मैं आपको बताऊं, सैकड़ों किसान मर चुके हैं, अभी तक नहीं तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति वहां पर न पहुंचा है न किसी भी जिस तरीके से अगर यहाँ पे इनके प्रतिनिधियों के साथ उनकी नीतियों का अगर किसान विरोध करता है तो ये हजारों की संख्या में पहुंचने का काम कर जाते हैं, थाने को घेरने का काम करते हैं, तहसील को घेरने का काम करते हैं और सैकड़ों की संख्या में किसान मर चुका है, शहीद हो चुका है और इनको दिखाई नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभिषेक जी एक बात बताइए, अभिषेक जी, किसान शहीद हो रहे हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं और ये सबने देखा है, पूरा देश जानता है, लेकिन नुकसान इसमें किसानों का ही हो रहा है क्योंकि लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है, 10 महीने से लड़ाई को होने वाले हैं, तो क्यों नहीं आप कोई और तरीका निकालते हैं? मैडम, हम जो है गांधीवादी लोग हैं, हम हिंसा को पसंद नहीं करते हैं, अहिंसा को पसंद करते हैं, हम बड़े और संवैधानिक रूप से भी हम लोग वहां पर बैठने का काम कर रहे हैं और ये हमें जो है वहां पर बैठने का हम लोग काम कर रहे हैं और अपनी मांग मानने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग को तो शर्म नहीं आती बिल्कुल भी कि मेरे देश का किसान के बारे में एक बार पूछ ले। बार बार मोदी जी ने एक सवाल कहा कि एक फोन कॉल की दूरी है किसानों से, मैं तो समझता 3 महीने हो गए, एक बार भी मोदी जी ने या अपना कोई प्रतिनिधि भेज के हमसे बात करने की भी कोशिश नहीं की। और 3 कृषि कानून है, 3 की काले कृषि कानून ये जो इन लोगों ने किसानों पे जो है लाके रखने का काम कर दिया, जो लोगों ने यहाँ पे ये सरकार ने लाने का काम कर दिया, ये किसानों को बेचने का काम कर रहे हैं, अदानी अंबानी को बेचने का काम कर रहे हैं। अगर कोई किसान अपनी मांग मानने के लिए बॉर्डर पे या रोड जाम करने का काम करता है, भारत बंद करने का काम करते हैं तो उनकी निंदा करते हैं। और मैं तो सीधा सीधा सवाल करता हूँ, कोर्ट पे वहां पे हजारों क्विंटल वहां पर अफीम पकड़ी जाती है, चरस पकड़ी जाती है, उसका कहीं कोई बोलबाला ही नहीं है। किसानों को कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी तालिबानी कहते हैं, कभी आंदोलनजीवी कहते हैं, तो इस तरीके की बात नहीं चलने वाली। किसान जागरूक हो चुका है, किसान अगर हमारी मांग नहीं मांगेगी सरकार तो हम वोट की चोट से इनको जवाब देने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, और जो भी तमाम सवाल अभी आपने उठाए, जो भी बातें आपने कही है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी भी जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, जिस तरह से आपने भी आज सुबह से तस्वीरें देश भर से जो आ रही थी वो देखी हो गई, किसान लगातार भारत बंद का आज ऐलान किया, लगातार कोई ना कोई नया तरीका अपनाते हुए नजर आते हैं, किसानों की लड़ाई सीधे तौर पर आपसे है, लेकिन फिर क्यों आम जनता इसमें पिसती है? धन्यवाद पारुल जी। पारुल जी, जो है देश में किसान इस समय आंदोलनरत है, किसी से छुपा नहीं है जी।
देश में बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार एनडीए की चल रही है, इसमें कृषि माननीय कृषि मंत्री जी के साथ, माननीय पीयूष गोयल जी के साथ 11-12 बार की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन हमारे किसान भाई एक जिद पर अड़े हुए हैं कि किसान के ये काले कानून को वापस किया जाए। सरकार ने हर काम करने का हर बात करने की आश्वासन दिया इनको, इनको ये भी कहा कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, संशोधनों के साथ आइए, हम आपके साथ बैठते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारे मंत्री, जो माननीय कृषि मंत्री तोमर साहब ने भी आज भी बयान दिया है कि हम किसानों के साथ हैं और बैठने के लिए तैयार हैं। मगर वार्ता कहाँ होती है? देखिए, जब दोनों तरफ से वार्ता होती है पारुल जी, तो निष्कर्ष निकलता है जी। आज हमारे किसान नेता जो हैं, ये भ्रम के जाल में हैं। भ्रम जाल इनके ऊपर जो विरोधी दल है देश के, उन लोगों ने फैला रखा है, क्योंकि उनके साथ नहीं है ये। संसद के बाहर ट्रैक्टर चलाने का काम राहुल गांधी जी करते हैं किसानों के समर्थन में, मगर वही सदन के अंदर जो उनकी नुमाइंदगी है, उसमें एक बार भी किसानों का मुद्दा उठाने की जहमत नहीं उठाते हैं वो। ये है इनका समर्थन, और हमारे किसान भाई यही पर गड़बड़ हो जाते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे किसान नेता अभी पवार साहब ने कहा हम अहिंसक हैं जी। आपकी अहिंसा देखी पवार साहब, सब लोगों ने 26 जनवरी को जब गणतंत्र की हत्या हुई थी, आपकी अहिंसा वहां देखी गई जब पंजाब में 1500 टावर तोड़े गए, आपकी अहिंसा वहां देखी गई जब बलात्कारियों को आप लोग सजा दे रहे थे बॉर्डर पर, आपकी अहिंसा वहां देखी गई जब वहां पर जिंदा जलाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं अश्वनी जी से, मैं पूछना चाहता हूं। पवार जी मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। नहीं नहीं, आपके सवाल का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ माननीय अभिषेक जी, एक मिनट। अभिषेक, सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ है अभिषेक जी, एक मिनट, जरा एक सेकंड रुकिए, अश्वनी जी से एक सवाल करना है जरा। जो है पूछिए, ये बीजेपी वाले जो है, ये इनको तो जो है ये केवल केवल किसानों को इधर उधर की बातें करने का काम करते हैं। अरे आपके एक मंत्री ने भी दो दिन पहले लखनऊ में एक डिबेट में कहा कि 352 रुपए का खर्च, 352 रुपए का खर्च गन्ने के पेमेंट में, और आपने 25 रुपए, अरे 2 रुपए और नहीं बढ़ा पाए, 25 रुपए बढ़ा के 350 किया और खर्च आता है 352 रुपए का। कौन सी बात आप कह रहे हैं? आपने 5 रुपए। अभिषेक जी एक बात बताइए जरा, रह रह के सवाल याद आ रहा है। अश्वनी जी एक मिनट जरा रुक जाइए, अभिषेक जी मेरी बात सुनिए। अभिषेक जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी से परेशानी है, बताइए बीजेपी के लीडरों से परेशानी है या बीजेपी पार्टी से ही परेशानी है? ये बीजेपी की, ये पार्टी नहीं है, पार्टी में तो बहुत लोग हैं जो अपने घर बैठे हैं, ये तो केवल कॉरपोरेट सरकार है मैडम, कॉरपोरेट सरकार, ये सरकार। लेकिन अश्वनी जी, जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तब आप लोगों ने ही वोट किया था सरकार को, आप ही लोगों ने वोट किया था। मैं जवाब दे लूं, मेरा जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है। अरे हम लोगों ने किया, अभी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है। इन लोगों ने कहा कि जिस दिन स्वामी सबसे पहले संसद में जा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों की मांगे कहीं कोई नहीं सुन रहा देश में। आप लोग हिंसा फैला रहे हैं, यहाँ भी हिंसा फैला रहे हैं, यहाँ बौद्धिक हिंसा फैला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बौद्धिक हिंसा मत फैलाइए पवार साहब, ये अरे जवाब सुन लीजिए, प्रभु जवाब सुन लीजिए, प्रभु जवाब सुन लीजिए। अभिषेक जी एक बार सुन लीजिए, अभिषेक जी हुआ जब मैंने पूरा जवाब भी नहीं दिया, उसके बाद आप शुरू हो गए। पारुल जी देखिए, भ्रम कहाँ फैलता है, भ्रम की स्थिति कहाँ होती है? भ्रम की स्थिति यही होती है जब एक आदमी सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है, उसके बीच में पहला पूछ देता है। मुझे एक मिनट का समय दिया जाए, मैं बताता हूँ। अभी इन्होंने कहा हमको आतंकवादी बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं, हमने हमारी जमीन कब्जा हो जाएगी, हमारे ये हो जाएंगे। इसका जवाब अभी लेना बाकी है, आपके आंदोलन में खालिस्तानी झंडे लगे या नहीं लगे। अभी मुजफ्फरनगर में जो आपका वो हुआ था, रैली हुई थी एक, उसमें अल्लाह अकबर के नारे लगे या नहीं लगे, उसके बाद मैं बताऊं। भाई एक बात बताइए, आप लोग तो इसी की खाते हैं केवल भाजपा, ये जो सरकार है आप लोगों का जो काम केवल ये। पारुल जी ऐसे डिबेट मैं नहीं कर पाऊंगा। अभिषेक जी ऐसे देखिए, ऐसे ना तो आपकी बात समझ आएगी और जो अश्वनी जी कहना चाहते हैं ना वो समझ आएगी। एक बार दोनों
रुक जाइए, एक एक करके बोलिए अभिषेक जी। एक देखिए, पूरा मौका सबको मिलेगा, एक एक करके बात कीजिए तभी समझ आएगी। अश्वनी जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। देखिए, जिस तरह से आपने भी कहा और सब जानते हैं कि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है किसानों और सरकारों के बीच में, लेकिन आप कहते हैं कि किसान सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसान अपनी एक ही जिद पर अड़े हुए हैं। अगर ऐसी बातचीत है जब प्रदेश के प्रधानमंत्री किसानों को अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता कहकर संबोधित करते हैं, तो फिर क्यों वो किसानों के बीच में नहीं पहुंचते हैं, क्यों वो बातचीत नहीं करते हैं, खुद क्यों नहीं जाते हैं? और कल की भी तस्वीर और वीडियो देख लीजिए, जहां पर नई संसद का निर्माण हो रहा है वहां पर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं, तो फिर किसानों के बीच में जाने की क्या ऐसी वजह हो गई जो नहीं जा पा रहे? पारुल जी, मेरा पूरा उत्तर सुनिएगा, तब दुनिया को समझ में आएगी। मैं बताना चाहता हूं जी, बताइए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान का नेतृत्व बहुत सशक्त हाथों में है, और वो संसद भवन देखने जाते हैं, वो अमेरिका में भी जाकर ललकारते हैं पाकिस्तान और चाइना को जी। लेकिन यहां पर जब वार्ता की बात होती है, ये किसान जो भी हैं, जो बैठे हुए हैं, ये किसान आंदोलन के नाम पर धब्बा हो चुके हैं, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षी यहां बैठे हुए हैं। अश्वनी जी, बीच में टोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, अगर अगर जो आप बातें कह रहे हैं, फिर 11-12 दौर की बातचीत थी क्यों थी फिर किसानों के साथ? क्यों की थी? और एक चीज और बता दो, एक चीज और बता दो, मैं साहिल जी से पूछना चाहता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं हम किसान नहीं है। अरे भैया, ये बता दो खाल क्या होता है, हाली क्या होता है? अगर हम किसान नहीं है, आप बता दो, अगर आप किसानों की बात कर रहे हैं, हाली क्या होता है, खाल क्या होता है, मक्का क्या होता है, बताइए मुद्दा क्या होता है, आप बता दें, आप जवाब दे दें, कौन सी मिट्टी में किस सीजन में कौन सा गन्ना बोया जाता है, किस तरीके से गन्ने को बोने का काम करते हैं, आप बता दें। अगर आप लोग हमें कहते हैं कि हम किसान नहीं है, आप बता दें किस सीजन में गेहूं की फसल बोई जाती है, आप बताएं, आप जवाब दे, अगर किसानों की बात कर रहे हैं, किस सीजन में गन्ने की फसल बुआई होती है। अभिषेक जी, अभिषेक जी, एक मिनट रुक, अश्वनी जी बोलते रहे, अश्वनी जी आपसे जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि किसान नहीं, किसान के नाम पर धब्बा है। जो 5 सितंबर को महापंचायत हुई थी, पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा था कितनी भारी संख्या में वहां पर किसान पहुंचे थे, तो वो कौन थे फिर? कहां पे? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर का भ्रम, अब सुनिए पारुल जी, मुजफ्फरनगर में 17,000 मीटर जगह है, कितने लोग आएंगे, लाखों की भीड़ हुई थी, यही तो भ्रम फैलाया जाता है। उस जीआईसी के ग्राउंड का कितना डायमीटर है, एक आदमी कितने दूर में बैठ सकता है, कुर्सी कितने में लग सकती है, इतना भी नाप चुका है मीडिया आपका, और वहां कितनी भीड़ हुई थी ये दुनिया जानता है, लाखों कहने से काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं आता हूं दूसरे मुद्दे पर, इस पर जवाब आपको सुनना पड़ेगा। आज के नेताओं को, जो किसान नेता बैठे हुए हैं, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर नहीं होती तो हम इनको किसान मानने के लिए तैयार थे। लोकतंत्र है, ये कहीं भी आकर राजनीतिक दल बनाए, हमारे सामने चुनाव लड़े, स्वागत है इनका। लेकिन ये पहुंच जाते हैं बंगाल, जहां हमारी 3 सीट से 77 सीट हो जाती है, ये कहते हैं मोदी को उठाएंगे, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि झूठी, जो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड में लोग नहीं आ सकते, जो तस्वीरें सामने आई थी, तो क्या वो सब झूठी थी उस दिन की, 5 सितंबर की? अरे मैडम, मैं बताता हूँ, मैडम मैं बताता हूँ, अभी इन लोगों 1 लाख की भीड़ नहीं थी वहाँ, आज जैसा वही भीड़ थी, जैसा भारत बंद है, आज भारत बंद जिस तरीके से फेल हुआ है, वैसे ही भीड़ वहाँ थी। अभिषेक जी रुक जाइए, अश्वनी जी आप भी रुक जाइए, वरिष्ठ पत्रकार के मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं काफी देर से, उनसे इसलिए जानना चाहूंगी, के मिश्रा जी, जिस तरह से देखा जाए आज भारत बंद किया गया था, ऐलान किया गया था, असर पूरे देश में इसका देखने के मिला, आम जनता परेशान हुई, किस दिशा की तरफ ये किसान बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, इस मुद्दे पे बहुत बार परिचर्चा हो चुकी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये राष्ट्रीय मुद्दा होता, स्पेशली जो 3 बिल है उसमें क्या बुराई है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पता नहीं किस एक अनजाने भय से ये डरे हुए हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या कर रहे थे दोनों बॉर्डर पे। दूसरी चीज, अगर ये एक पूरे देश को कवर करने वाला मुद्दा है, पूरे किसान इससे प्रभावित होते, तो आप बॉर्डर को छोड़ के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, आप देखिए ना पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सा धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप मुझे बताइए ना एमपी में कौन सा धरना प्रदर्शन हो रहा है, महाराष्ट्र में कहाँ हो रहा है। मेरे कहने का मतलब कि पूरे देश का जो किसान है वो एक बहुत बड़ी संख्या किसानों की है, ये मुट्ठी भर लोग हैं। टिकैत साहब का राजनीतिक पृष्ठभूमि सब जानते हैं, 2-3 बार चुनाव लड़ने के बाद
और करोड़पति आदमी अपने आप को किसान बोलता है, पैदा होने के बाद कभी हल और बैल पे इन्होंने हाथ नहीं लगाया होगा। वो महेंद्र सिंह टिकैत थे जो किसान नेता थे, इनसे पूछिए कि हल क्या होता है, बैल क्या होता है, टिकैत जी को नहीं पता होगा। तो मेरे कहने का मतलब, आपका आंदोलन टिकैत साहब जो थे इनके पिताजी, वो तो कभी नहीं गए किसी इलेक्शन में। ये बंगाल के इलेक्शन में जाके प्रचार करते हैं कि हमें ये करना है, इनको हराना है, उनको जिताना है, किसी भी मुद्दे से। ये मुझे बहुत तार्किक इन लोगों का नहीं लगता है। ये एक लोकल कम्युनिटी है, ठीक है किसानी इनका मेन पेशा होगा या और बहुत सारे लोगों को, ये तर्क सहित अगर ये बात करें तो ये अपने लोगों को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि इस बिल में क्या प्रॉब्लम है। रही बात बीजेपी का कोई नेता नहीं आ रहा है, अरे बीजेपी के नेता तो छोड़िए, शुरू में जब हुई थी कितने राउंड की बातें आप लोगों को सादर सहित इनवाइट करके की गई थी। अच्छा, अब आप इसी चीज पर तुल जाइए कि कहीं समझौता नहीं करेंगे और सुरसा के मुंह की तरह अपनी डिमांड बढ़ाते जाएंगे, नहीं ये जी ऐसे है, नहीं पहले आपने बोला ये करो, फिर बाद में बोलेंगे नहीं जी पूरा ये बिल ही वापस लो। तो जो प्रॉब्लम थी लेकिन, पहले गवर्नमेंट जी जिस तरह से आप कह रहे हैं, देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल भी पहुंचे थे और वोट पर चोट देने की बात वो अब भी कहते हैं कि 2022 में देख लीजिएगा, आगे 10 साल की वो रणनीति बनाकर तैयार है कि आगे 10 साल तक भी बैठना पड़ेगा तो वो बैठेंगे। तो क्या अभी चुनाव जिस तरह से नजदीक है और राकेश टिकैत जो कर रहे हैं किस हद तक सही है वो? देखिए ये अमेरिका भी पहुंच गए थे, है भारत के किसान लेकिन अपना काम अमेरिका में कर रहे थे ट्वीट करके, जैसे वहां से फसलों की गारंटी मिल जाएगी, उपज बढ़ जाएगी। 10 साल का ये प्लान बना के बैठे हैं, जरा उनसे पूछिए वो सारे चुनावी प्लान होंगे, किसको हराना है किसको जिताना है। 10 साल का प्लान इन्होंने ये नहीं बनाया होगा कि इतने किसान गरीबी रेखा के नीचे है तो उनको ये देना है, तो इतने किसान ऐसे है तो इतने का नुकसान होगा, तो उनको खेती से रिलेटेड इनका 10 साल का कोई प्लान नहीं होगा। मेरा चैलेंज है, आप पूछ लीजिए जाके, 10 साल में उनका प्लान ये है किसको हराना है, कहां से फंडिंग लेनी है, कहां क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल के मिश्रा जी, आपको रोकना चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बहुत देर से सपा प्रवक्ता चंद्रशेखर पांडे भी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर पांडे, जिस तरह से आज 12 विपक्षी पार्टियों ने इस भारत बंद का समर्थन किया है, लगातार विपक्षी पार्टियां किसानों का समर्थन करती आ रही है, तो क्या ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है या आगे भी आप समर्थन करेंगे इनका? मैडम बात बताऊं कि जिस दिन से ये किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ है, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल सभी को क्लियर कर दिया था कि यह पूर्णतया गैर राजनैतिक आंदोलन जो उन्होंने बनाया है, हम इसे गैर राजनैतिक रखना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने जन्म के दिन से ही, क्योंकि किसान बेरोजगारी हमारा क्योंकि नारा ही रहा है, तो इसलिए हम किसानों के साथ पहले दिन से हैं। अब हम आपको जो हमारा राजनीतिक विश्लेषक जो आदरणीय पत्रकार बंधु है और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बंधु है, दोनों लोगों ने बड़ा एक आपत्तिजनक शब्द कह दिया। पहले मैं अपने राजनीतिक प्रवक्ता जो है, राजनीतिक विश्लेषक जो है, उन्होंने कहा कि वो अमेरिका जाकर के ट्वीट करते, अरे भाई भारत का प्रधानमंत्री पायलट कितने बने और अटर्नी की जो MSP बढ़ाने की घोषणा है वो अमेरिका में बुला करके करता है, उस भीड़ को के सामने करता है जिस भीड़ में दशमलव में 10,000 जीरो लगाने के बाद भी अगर आप पोल लिखेंगे तो उतना प्रतिशत भी व्यक्ति किसान नहीं है। वहां से किसानों की MSP में अटर्नी बढ़ाने की घोषणा होती है, पायलट बढ़ाने की बात, पायलट बनाने की घोषणा वो उन जगह जाकर के पूरे ब्रिटेन से वहां करता है जहां दशमलव के 1 करोड़ जीरो के बाद भी अगर वहां लिखेंगे तो भी बिना टॉयलेट वाला वहां एक नहीं है, वहां किसी को बाल वाला ही ऐसे देश के राष्ट्रपति से नहीं जो बिना आपके मैडम मैं सीधा सीधा बताऊं, देखे मैं किसान मैं सीधा सीधा बताऊं, ये भाई साहब है मेरा
मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि यदि हमारे देश को प्रधानमंत्री जो है वो अमेरिका में जाकर 500 एमएसपी की बात करेंगे तो किसी किसान को भी हक है कि अमेरिका में जाकर के आंदोलन करे, आप उसको खारिज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज दम बिल्कुल ना पाले कि जितने भी भाजपा के वक्ता हो, प्रवक्ता हो, जितने भी विश्लेषक हैं, ये सारे लोग, जैसा हमारे किसान भाई ने कहा, मैं दावे से कह रहा हूं कि कुछ नहीं आता, ये किसी प्रकार से किसानी का दुख क्या है, दर्द क्या है, ये नहीं इनके जो कम से कम एक पीढ़ी पहले से भूल चुके होंगे। और ये जितनी लाखों की आप हम करोड़ों दस लाख की गाड़ी में बैठ के निवेश कर रहे हैं, ये गाड़ी नहीं बैलगाड़ी में बताइए, बीस लाख की गाड़ी में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, आपको पता है दिख रही है, 20 लाख की गाड़ी दिख रही है, डिबेट कर रहे हैं टेलीविजन टेलीविजन पे स्क्रीन दिखा दीजिए, टेलीविजन मजाक मत उड़ाइए, टेलीविजन पे स्क्रीन दिखा दीजिए, किसान के टेलीविजन पे स्क्रीन दिखाइए, केके मिश्रा जी रुक जाइए, हमारे नेता हमारे कंट्री को बताइए, किसान नहीं है आप, हमारे टिकट को बताइए, अरे मैं तो आपसे भी पूछना चाहता हूँ अभिषेक जी, देखिए इस तरह से किसी की बात समझ नहीं आएगी, ना तो आपको समझ आएगी ना मुझे समझ आएगी, एक एक करके बात रखिए, चंद्रशेखर जी आप बात करिए, आप बोलिए, वो दिखाइए अपना भी दिखाइए जो पक्का, एके मिश्रा जी रुक जाइए जरा, ये मेरा सुनिए, ये मेरा अपना मकान है और ये भी मेरा ही मकान है, और कोई गरीब है तो इधर मेरा घर, आइए आपको खेती दिखाता हूँ, आइए आइए मैं आपको अपनी खेती दिखाता हूँ, किसान 20 लाख की गाड़ी में नहीं घूम सकता, क्या किसान 20 लाख की गाड़ी में नहीं घूम सकता, किसान केवल 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 अभिषेक जी रुक जाइए जरा, चंद्रशेखर जी एक बात बताइए, 2017 से पहले किसानों की याद नहीं आई थी, आज आप खेतों में पहुंच गए तस्वीरें दिखाने, किसानों की इस प्रकार खेती नहीं कर सकते, आप किसानों को खालिस्तानी नहीं कह सकते, अभिषेक जी रुक जाइए, अभिषेक जी रुक जाइए, रुक जाइए, राजनीतिक विश्लेषक महोदय आपके माफी मांगे कि मेरे पीछे जो है ये फसल है या नहीं है, चंद्रशेखर जी एक बात बताइए, 2017 से पहले कहाँ थी आपकी सरकार, माफी मांगे तब नहीं किसानों की याद आई थी, सारे किसानों की तरफ से, किसानों से पहले क्षमा मांग लीजिए, ये क्षमा मांग ले तो हम लोग आगे बढ़े, क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, नहीं आप पहले ये बताइए, आपकी सरकार में तब नहीं किसान जब खुदकुशी करते थे तब आपको दिखता था, ये मोदी ने भी मोदी और किसानी हमें मत समझाइए, ये अंतर नहीं तो कितना होता है आपको कि आरे आप कितना आता है खेती, आपको खेती कितनी आती है, आपको खेती कितनी आती है, चंद्रशेखर जी हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कितनी खेती आती है, आप चंद्रशेखर जी आप कहाँ खेतों में पहुंच गए, बात यहाँ किसानों की हो रही है, आप सीधा खेतों में पहुंच गए, यहाँ सब किसान परिवार से आते हैं, अभिषेक जी रुक जाइए, के मिश्रा जी रुक जाइए, इस तरह से किसी को किसी की आवाज समझ नहीं आएगी, किसी की बात समझ नहीं आएगी, रुक जाइए मैडम, मैं एक रुक जाइए, चंद्रशेखर जी एक बात बताइए, चंद्रशेखर जी मेरी भी बात सुन लीजिए जरा, आप अभी खेतों में पहुंच गए, सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं, आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे तब आपकी सरकार आती है, 50 लाख की गाड़ी में बैठे हैं, वीडियो में दिख रहा है कोई 50 हजार के सोफा में बैठा है, कोई 50 लाख की गाड़ी में, केके मिश्रा जी रुक जाइए जरा, बोलने दीजिए, और ये किसान है मैडम, पूरे अभी आपकी जो डिबेट का निचोड़ है यही किसान आंदोलन का निचोड़ है, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, निगाहें देखिए कितनी हैं, निगाहें किसान बेचारा मेरे ही जैसा निरीह है जो अपने खेत में, क्योंकि 10 लाख की मेरी महिंद्रा एसयूवी है, मैं बात करते बाहर से दिखा देता हूँ, चंद्रशेखर जी ली गई हुई जिसको लेने के लिए कुल 7,000 रुपए मैंने दिया है, और इसे ये बदला मुझे कैसे कर लिए, क्योंकि मैं खेत में, संयोग की बात है कि मैं खेती में था, अपने टाइम दिया, मैं लाइन पे आ गया, अगर मैं चंद्रशेखर जी रुक जाइए, चंद्रशेखर जी रुक जाइए, बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही भी मेरे साथ बने हुए हैं, अश्वनी जी कुछ कहना चाहेंगे, अश्वनी जी बोलिए, पारुल जी, चंद्रशेखर जी रुक जाइए, चंद्रशेखर जी बाजार में बोलना उचित नहीं है, चंद्रशेखर जी रुक जाइए, बोलिए अश्वनी जी, देखिए पारुल जी
यहाँ नाहक की बहस हो रही है, मुद्दे पर अगर बहस हो तो ज्यादा बढ़िया है। किसान को भी हक है 1 करोड़ की गाड़ी पर चढ़ने का और व्यापारी को भी हक है, लेकिन जो लड़ाई है वो जो किसान लड़ रहे हैं उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। और मुद्दा ये है कि वार्ता दोनों तरफ से होती है, किसान भाइयों को 11-12 बार की वार्ता माननीय कृषि मंत्री जी ने बुलाया, इन लोगों ने कहा कि नहीं हमको कि ये किसान के ये काले कानून रद्द करेंगे तो हम वार्ता करेंगे। 4 मांगे थी, 2 मांगे मान ली गई, 2 मांगे बची हैं इनकी। सरकार ने कहा कि अब बिल वापस नहीं होगा, आप वार्ता के लिए आ सकते हैं। इसके बाद इन लोगों ने अनेक तरह के कुकृत्य किए और वो कुकृत्यों में ये एक मंशा जाहिर हो गई कि 500 से कुछ ऊपर किसान संगठन है भारतवर्ष में जो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 40 संगठन ही यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आंदोलनरत हैं। फिर भी सरकार ने कहा कि नहीं हम मानेंगे, क्योंकि आप लोग बात बताइए अश्वनी जी, 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है, फिर ऐसी क्या वजह आपको लगती है कि आप किसानों से सहमति और किसानों और आपके बीच में सहमति नहीं? जी मैं उस लाइन पर आ रहा हूं, बीच में आप आपकी बात पूरी हो जाने दीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। जी देश की जनता को एक तरफ भरोसा दिलाते हैं, किसानों को क्यों नहीं भरोसा दिला पा रहे, कहां कमी रह रही है? आप पूरा सुन लीजिए तो जनता के बीच में भी जवाब समझ में आएगा, आपको भी आएगा। सरकार ने आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूं, सरकार ने ये कहा है कि आप आइए, हम आपसे बिंदुवार चर्चा करते हैं, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, आप हमसे चर्चा कीजिए, अगर कोई संशोधन आप करना चाहते हैं तो हम संशोधन के लिए तैयार हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बिठाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट किसान नेता नहीं मानने को तैयार है, तो ये विसंगतियां सरकार के तरफ से नहीं है, ये किसानों के तरफ से है। इसके अतिरिक्त अगर सरकार से ये लोग क्या चाहते हैं, अभी हमारे किसान नेता अभिषेक पवार जी कह रहे थे जमीनें चली जाएंगी, भाई मेरे कांग्रेस का शासन था, अभी भी है पंजाब में, और पिछले कितने सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, कितने किसान बता दें कि फसल का होता है या जमीन का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। दूसरा जो भंडारण की बात होती है, हरियाणा के मैं भंडारण का नाम लेकर बोलता हूं, 2005 में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अडानी को गोदाम के लिए जमीन उन्होंने ऐलान किया, और आज ये आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो ये एक जो है इन लोगों का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है, और किसी भी राजनीतिक से सरकार वार्ता नहीं करेगी तब तक वो किसान नेता और किसान बनकर नहीं आएगा। किसानों ने उत्तर प्रदेश में 55 लाख टन गेहूं बेचना था एमएसपी पर, 56.5 लाख टन गेहूं बेचा है, 62 लाख टन खरीफ धान बेचा है, कहा है किसान अपने खेतों में है। आज सवेरे एक चैनल पर मैं था, किसान नेता ने कहा, एंकर ने पूछा कि आप किसान नेता है, राहुल मिश्रा नाम है उस लड़के का, उन्होंने कहा मैं अपने खेतों में हूँ, मुझसे बंद से क्या मतलब, ये फर्जी किसान आंदोलन हो रहा है, किसान अपने खेतों में है। जो किसान सीमाओं पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, किसान है, उनके पिता किसान है, लेकिन उन किसानों को बरगला कर ये तथा कथित डाके सके बरगला दिया, 2 बार चुनाव हारे हुए। अश्वनी जी, किसान जो सीमाओं पर बैठे अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हैं, वो कोई बच्चे नहीं है कि किसी ने बरगला दिया तो चल दिए वो अपने घरों से कि हम आंदोलन करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, क्या हिंदुस्तान में 500 रिकॉर्ड है? 40 लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी भाषा में रखे, डकैत बता रहे किसानों को, ये डकैत बता रहे, इनके घर डकैती की क्या, ये अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे, ये लोग अपनी भाषा पर नियंत्रण रख ले, ये डकैत बताने का काम करे। आप अपने राकेश शिकायत को कहिए कि अपने भाषा पर नियंत्रण रखे, बक्कर उतारने की बात वो करते हैं, अल्लाह अंतरवा लगाते हैं, राकेश शिकायत को बोलिए अपने भाषा पर नियंत्रण रखे। और किसान किसान नहीं है, आप गुंडई की भाषा किसान नहीं करते हैं, हमारे किसान अश्वनी जी, अगर किसान नहीं है तो फिर बातचीत के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों आगे के लिए बातचीत के लिए बुलाएंगे?
करना चाह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ना करें, हम तो कहते हैं ना करें। अगर आप लोगों का दिमाग अब तक ठीक नहीं हुआ है तो दिमाग ठीक कर लो, नहीं होगा तो इस देश के किसान आपके दिमाग ठीक करने का काम करेगा। सन 2022 में करेगा, सन 2024 में करेगा। अरे अरे अभिषेक जी, अभिषेक जी एक उदाहरण ले लीजिए, राकेश सिंह दो बार चुनाव लड़े जमानत जब्त, अभी पंचायत में बिजनौर से आप लोगों ने प्रत्याशी उतारा जमानत जब्त, कहां है, कहां है आप, किस रास्ते में? अरे आपका फायदा हो, कांडे जी हंस रहे हैं, आप लोगों को आगे करके वो हंस रहे हैं, वो आपका वोट वो यूज करेंगे, वो हंस रहे हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं पांडे जी। केवल एक बात पूछना चाहिए, अरे आप लोग समझिए प्रभु, देखिए राजनीतिक दल किस तरीके से आप लोगों को जो है आगे बढ़ाए। एक जवाब मैडम, एक जवाब दे दीजिए, बस एक जवाब दे दीजिए। आप पंचायत चुनाव में आपके कितने जिला पंचायत सदस्य जीते, कितने क्षेत्र पंचायत सदस्य जीते? हमारे अध्यक्ष कितने जीते ये देखिए ना, अध्यक्ष कहाँ कितने जीते वो देखिए, पता से मत सिखाइए। अरे बिजनौर से संयुक्त किसान मोर्चा की महिला प्रत्याशी हार गई, हार गई, कहाँ है आपका इलाज भर जगह? ये देश का किसान आपकी बुद्धि ठीक करने का काम करेगा, ये तो समझ जाओ। ये देश का किसान है, ये अन्नदाता है, आप लोग इनको धकेल बताते हैं, आप लोग किसान को अन्नदाता है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, लेकिन ये नेता राकेश डकैत हमारे साथ नहीं है। राजनीतिक रहेंगे, आपको पता है कल की पंचायत में कितने हम सम्मान करते हैं, महेंद्र सिंह डकैत का हम सम्मान करते हैं, चौधरी देवीलाल का हम सम्मान करते हैं, चौधरी चरण सिंह का, ये किसान नेता थे, ये राकेश डकैत कहां से आ गए? आप अपनी भाषा पे नियंत्रण रखिए, हम सुन लीजिए। चंद्रशेखर जी भी कहना चाह रहे हैं, किसान है, ये भी आता है, इन्होंने 15 अगस्त में कितना आतंक फैलाया था, गणतंत्र की हत्या की, जो किसान दिल्ली में नहीं जा सकता है। अश्वनी जी ये देखिए, अभी जो आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से आप दोनों लड़ रहे हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों और सरकार में शायद कभी बात नहीं बन सकती, अगर इसी तरह से अपनी अपनी बातों पर अड़े रहेंगे तो। मैं तो शांति से पारुल जी सुन रहा हूँ सबको, चंद्रशेखर जी बोलना चाह रहे हैं, अगर हमारे बीच में ये अभिषेक जी बोल रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो बड़े प्यार से सबकी बातें सुन रहा हूँ। अरे ये रुक जाइए, मेरी बातें सुनना चाह रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए बोल रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए बोल रहे हैं। अभिषेक जी रुक जाइए, अगर अभिषेक अधिकारों की लड़ाई लड़नी है तो जाकर कहीं और लड़े, यहाँ पर क्यों बौद्धिक आतंक फैला रहे हैं ये लोग? रुक जाइए अश्वनी जी, चंद्रशेखर जी बोलिए। धन्यवाद मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पूरी किसान आंदोलन आपके सामने आपके डिबेट में ही दिख रहा है, ऐसे ही आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की बातों पे रहा था कि अगर टिकैत साहब के दो बार हार जाने से और डकैत होंगे तो आम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने बड़े डकैत ये कहना चाहते हो उनको, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को क्या ये डकैत कहना चाहते हो, क्या ये आडवाणी जी को डकैत कहना चाहते हो? डकैत कहना चाहो बताइए, 99% नेताओं को क्या ये लुटेरा और डकैत कहना चाहते हैं? अरुण जेटली को उनकी आत्मा को क्या शांति दे रहे हैं? अरुण जेटली भी डकैत, अश्वनी जी जवाब देना चाहेंगे? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, इन लोगों सपा के प्रवक्ता के पास सत्य नहीं है। हारने पर मैंने नहीं कहा है उनको, उनका नाम ही है, अगर उनकी अभी आप ही के किसान नेता ने कहा मांग की है कि किसान नेताओं की सीबीआई जांच करा लिया जाए। देखिए रुक जाइए, एक-एक करके अपनी अपनी बात रखिए, ऐसे नहीं समझ आएंगे किसी को भी। अभिषेक जी रुक जाइए, अभिषेक जी आपके पास आऊंगी। देखिए भानु प्रताप सिंह जो 26 जनवरी को दलाल हो गए, और राकेश टिकैत जो डकैत है उनकी जांच अगर हो जाएगी तो सड़क पे आ जाएंगे, ये वो नेता है। अरे करवाइए ना। अभिषेक जी रुक जाइए, देखिए इस तरह से नहीं बात हो पाएगी, इस तरह से ना तो आपको मेरी बात समझ आएगी ना मुझे आपकी बात समझ आ पाएगी। अश्वनी जी आप बोलिए। जी अरे मैडम मेरा देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ पारुल जी, जी आज भी रास्ता खुला है, सरकार तैयार है बिंदुवार चर्चा करने के लिए, संशोधन करने के लिए, जो भी नुमाइंदा हो हमारे किसान भाइयों का अन्नदाता का, हम उसको सर आंखों पर रखेंगे,
राजनीतिक महत्वाकांक्षा भले ही हो, फिर भी हम उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग सदन के बाहर दंगा मचाते हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं, सदन के अंदर कोई चर्चा नहीं करते हैं। ये कि पूछने पर माननीय कृषि मंत्री के तो वो बताते नहीं है कि कानूनों में काला क्या है। लेकिन आज भी सरकार एक सवाल करना चाहूंगी। आज राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर 10 साल भी बैठना पड़ेगा हमें तो हम बैठेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या सरकार तैयार है 10 साल तक के लिए? देखिए, अगर पारुल जी, ये देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, अगर संवैधानिक तरीके से वो 10 नहीं 100 साल बैठना चाहते हैं तो स्वागत है उनका, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर सरकार के वो लोग भी सरकार, 134 करोड़ लोगों का एक हिस्सा है, एक परिवार के अंग है, हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं, वो आए बिंदुवार चर्चा करें और अपनी चीजों को बताएं, हम तैयार हैं। बिल्कुल अश्वनी जी, के मिश्रा भी मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, आप ये बताइए किस तरफ ये आंदोलन अब जाता दिख रहा है, आगे जाकर क्या कुछ रूप लेगा और इस भारत बंद का आखिर फायदा किसे मिलने वाला है? आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है, ये आंदोलन राजनीति की तरफ जा रहा है। ऐसे ही आंदोलन केजरीवाल जी ने भी किया था, वो भी शासन को सुधारने की बात लेकर के आए थे और दिल्ली को बोले थे लंदन बनाएंगे और क्या बना दिया आपको पता है। सवाल यह है, पहले किसानों ने यह बोला, राकेश टिकैत की मैं बात कर रहा हूँ और भी जो दूसरे नेता थे, कि भाई MSP फिक्स करो, डिक्लेयर करो, लिख करके दो। फिर अच्छा, जब MSP वगैरह की बात सुन ली तो बोल रहे नहीं जी, ये तो पूरा कानून ही काला है, इसको वापस करो। अब ये कानून भी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बोल दे कि वापस कर दे तो फिर कोई ना कोई पूंछ निकाल दे। बात मुद्दों की है, लोकतंत्र में परिवर्तन होता रहता है। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी है कि किसानों को मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा जाए। जब तक इंटरनेशनल मार्केट से नहीं जोड़ा जाएगा या नेशनल मार्केट से, लोग बोलते हैं ना कि भाई एग्री को, कि खेती किसानी को इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए, तो ये बिल पहला एक प्रयास था जिसमें कि इंडस्ट्री के बराबर जो है खेती किसानी को, कृषि को लाने का प्रयास था। हो सकता है उसके परिणाम कुछ बुरे होते, लेकिन वो जब इंप्लीमेंट होता तब पता चलता। नया बिल आ सकता है तो कोई बुराई होने पर उस बिल में सुधार भी किया जा सकता है भविष्य में जाके। इतनी लीनियंसी, फ्लेक्सिबिलिटी किसानों को दिखाया जाना चाहिए था कि चलो भाई इंप्लीमेंट करो, साल भर 2 साल हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद इसमें हम और इंप्रूवमेंट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश इसमें नहीं है, कहीं ऐसा लिख दिया गया है क्या कि यही है यही रहेगा, इसके कोई चेंज नहीं हो सकता है? तो ये टोटल राजनीति ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और दूसरी चीज, ये लोग अहिंसावादी है, मैं मानता हूँ। 10 साल नहीं, आप 100 साल करिए धरना प्रदर्शन। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सड़कों को, बॉर्डर को रोक के रखे हैं, दूसरों का अधिकार छीन रहे हैं कि नहीं? आने जाने वाले लोगों को उनका जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता हाईवे बना है यात्रा के लिए, यात्रियों की सुविधा को आप बाधित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आप किसी मैदान में खड़े होकर यहाँ अधिकता, इसका जवाब अभिषेक, ये ठीक उसी तरीके से अतिक्रमण है जैसे कोई बाहरी आदमी जाके किसानों के खेत में कब्जा कर ले, तो ये अतिक्रमण होगा। ये उसी, तो ये जनता के अधिकारों का अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? हाईवे बनी है जनता के लिए, तो वहां क्यों बैठे हैं? वहीं बैठेंगे तभी आपका धरना लाइन लाइट में आएगा, किसी और जगह बैठेंगे खाली जगह पे तो आपको मीडिया कवरेज नहीं मिलेगी क्या? या आप अपनी मांगे नहीं मांग सकते? उनसे ये भी पूछिए ना। बिल्कुल के मिश्रा जी, अभिषेक पवार, आप पर आना चाहूंगी मैं। देखिए, आपके किसान नेता और किसान साफ तौर पर ये कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, भारत बंद का ऐलान शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। लेकिन आज जो तस्वीरें देखने के लिए मिली, कहीं कहीं पर लाठी डंडों के बल से जबरन बसों से लोगों को उतरवाया जा रहा था, कहीं पे एम्बुलेंस को रोका जा रहा था। अब जब आप जरूरी सेवाएं को सुचारू रूप, मतलब चालू रखने के लिए कहते हैं कि इसमें इन जरूरी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर क्यों वही लोग प्रभावित होते हैं? क्यों आम जनता पे, इससे आपकी लड़ाई सरकार से है, आम जनता क्यों इसका वो उठा रही है? देखिए मैडम, जो आज का हम लोगों का चक्का जाम था वो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। जिस तरीके से मेरे देश का किसान 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए दिल्ली में जा रहा था और इन भाजपा वालों ने वहां पे उसमें अपने लोग घुसा के और असामाजिक तत्व घुसा के
किसान आंदोलन को खराब करने का काम किया। इसी प्रकार से आज ये लोग फिर कर रहे हैं, आज फिर कर रहे हैं। मेरे देश का किसान कभी किसी को गलत नहीं कह सकता, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। मेरे देश का भोला भाला किसान अपने अधिकारों की मांग अहिंसक रूप से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए काम कर रहा है, लेकिन मेरे देश का किसान कभी किसी की तरफ मैं डंडा नहीं दिखा सकता। आज फिर कोई ना कोई हमारे आंदोलन को खराब करने की साजिश रही होगी, कभी तालिबानी कभी आंदोलन जीवी, आज फिर इसी प्रकार की साजिश रही होगी। मैं आपको बता दूं और मैं बताऊं एके मिश्रा जी को, मैं पत्रकार बंधु है। अरे भाई मोदी ने खरीद ले क्या आप? अरे भाई या आप चचा जान हो क्या? अरे भाजपा प्रवक्ता है, देखिए आपके दो दो भाजपा प्रवक्ता एक पत्रकार नाम बोलिए मोदी जो है ये दिखाऊ मीडिया, इससे सिद्ध हो गया ये दिखाऊ मीडिया। अभिषेक जी किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? अभिषेक जी बताइए जरा। के मिश्रा जी एक मिनट रुक जाइए। आप के मिश्रा जी, अभिषेक पवार जी एक बात बताइए, किसे आप बिकाऊ मीडिया कह रहे हैं? अभिषेक जी किसे कह रहे हैं आप बिकाऊ मीडिया? अभिषेक जी हम उन चैनल्स में से नहीं है, हम सही तस्वीर दिखाते हैं। और जिस बात का भी जिक्र मैंने किया वो तस्वीर सबने देखी है, लाठी डंडों के बल पर बसें खाली कराई जा रही हैं। अभिषेक जी कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रवक्ता बीजेपी के है, ये किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, इससे जो चीज हो रहे हैं ये मोदी की मीडिया है। अभिषेक जी मोदी के पत्रकार है। अभिषेक जी के मिश्रा की वो अपनी राय है, के मिश्रा की वो अपनी राय है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आप कैसे कह रहे हैं बिकाऊ मीडिया? अभिषेक जी रुक जाइए, के मिश्रा जी बोलिए। ये भाजपा पत्रकार बैठे, ये मोदी के प्रवक्ता है, ये पत्रकार बंधु। अभिषेक जी हम नहीं, ना तो हम ऐसी खबरें दिखाते हैं, ना हम चैनल पे अपने उन लोगों को बुलाते हैं जो बिकाऊ मीडिया से हो, हम नहीं बुलाते। के मिश्रा जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ इनको बोल दीजिए मियां खलीफा को अपना प्रवक्ता बना ले, क्योंकि किसानों के इन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं जो बैठे हैं इनके पास कोई प्रवक्ता है नहीं, मियां खलीफा को प्रवक्ता बनवा लीजिए ना, आपका आंदोलन सही हो जाएगा। मिश्रा जी कैसी बातें कर रहे हैं, बात या बात? मैडम ये किस तरह की बात कर रहे हैं, कहां आप लोग मियां खलीफा और कहां खालिस्तान की बात कर रहे हैं, कहां से किसानों की बात कर रहे हैं? अरे किनके? अरे किसानों की बेइज्जती कराने का काम कर रही है आपके चैनल, हम लोगों की बेइज्जती कराने का काम कर रहे हैं, ये कौन सी बात कर रहे हैं? अरे कौन सी हमने तो किया, ये चैनल निष्पक्ष बात करता है, ये चैनल निष्पक्ष बात करता है। इस तरह के पत्रकार बैठेंगे। आपके मन की बात मियां खलीफा कर सकती है, हम नहीं करेंगे। आपके प्रेशर में आके आपके मन की बात मियां खलीफा ही करेगी, वही उसी को बुलवा करके डिबेट किया करें। एके मिश्रा जी कहां से मुद्दे उठाने जा रहे हैं? एके मिश्रा जी किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। अरे कौन सी बात कर रहे भाई मिश्रा जी, हमारे भाई पवार जी को बहुत पसीने आ रहे हैं। मिश्रा जी थोड़ा सा धैर्य रख
थोड़ा सा अरे थोड़ा जाने दीजिए, बेचारे बेचारे किसान परेशान है। मैं एसी में बैठने वाला नहीं हूँ, किसान का बालक हूँ और किसानों की बात रखता हूँ। और किसान का काम धूप में बैठने का है, किसान का काम गर्मी में बैठने का है, आपके तरीके से एसी में बैठने का नहीं है। समझ आएगा, किसी की बात किसी को समझ नहीं आएगी। रुक जाइए, एके मिश्रा जी आप बोलिए, और एके मिश्रा जी अगर मुद्दे की बात करेंगे तभी बोलिएगा, अगर मुद्दे की बात करेंगे तभी बोलिएगा। मैं बोल रहा हूँ कोई भी एनालिस्ट किसी भी चैनल पे बैठे इनके मन की बात ना करे तो वो बीजेपी का दलाल बन जाएगा। मोदी की मन की बात, मोदी की मन की बात सीधा सीधा बता रहे हैं, मन की बात इसका मतलब मोदी जी से बड़ा प्रभावित है। मन की बात, मन की बात इसके इनके मन की बात, मन की बात कन्या जल वाइस में इलाज होगा, बढ़िया दवाई मिलेगी, संजय जल वाइस में इलाज होगा, संजय 24 में इलाज होगा, बढ़िया दवाई मिलेगी, बढ़िया वाली दवाई बंगाल में, दवाई शिकायत चुनाव लड़ रहा है क्या? अभिषेक जी रुक, अभिषेक जी शिकायत जी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? एके मिश्रा जी आप भी रुक जाइए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अश्वनी शाही आप बोलिए। देखिए अभी पारुल जी इतनी बातों के बीच में मैं अपने किसान नेता से कहना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य रख के सुने दूसरी की दूसरों की बातों को, तो एक संदेश जाता है, चाहे आपका संदेश हो या हमारा संदेश हो। सबके बीच में आप ही बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, हमारे सपा के मित्र बैठे हुए, मिश्रा जी भी बैठे हुए, मैं भी शांत बैठा हुआ हूं, क्यों इतना बौखलाहट है? आपने कहा कि 22 में जवाब मिलेगा, 24 में जवाब मिलेगा, तो मेरा एक सवाल है कि क्या आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जवाब ऐसे ही लोकतंत्र में दिया जाता है, क्योंकि हमारी सरकार जाएगी, अगली फिर सरकार आएगी, जो पीछे थी उसने आपका भला किया नहीं, उसने कमेटियों की रिपोर्ट लागू नहीं की, तो अगली सरकार जो बनाएंगे क्या आप उसमें आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें अभिषेक जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए चंद्रशेखर जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, इतनी सारे यहाँ पर बातें हुई, आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया, आपकी भी पार्टी ने समर्थन किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया, यानी आपको बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया, चुनाव नजदीक है और इसीलिए एक मुद्दा मिल गया, क्या मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम मुझे लगता है कि हमें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, इस वक्त देश का ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जनता की जनमानस के अंदर ये मुद्दा है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जिस तरह से हमारे भाजपा के भाई बात कर रहे हैं, एक एक शब्द में जो अहंकार झलक रहा है, यह अपने आप में ही एक बेहद आपत्तिजनक स्थिति है। इस समस्या का जो समाधान है उसमें सरकार बनना ही कहां चाहती है? मैं एक बात पूछता हूँ कि मैं आप मेरे लिए प्रस्ताव हो सकता है कि कानून ये हो कि हर किसान के मुंह में सिर्फ सोने और चांदी के चावल हो जाएंगे? अरे भाई मैं अन्न का चावल खाना चाहता हूँ, आप जो बनाना चाहते हैं कानून सोने चांदी का, सिर्फ इतनी सी बात है कि एक बार आप कानून बनाकर कुछ एक्सपर्ट बैठाइए, उनके साथ में आराम से कानून बनाइए, क्योंकि देश के 70% दो तिहाई से ज्यादा आबादी के ऊपर प्रभाव डालने वाला ये कानून है। ये अकस्मात रूप में नोटबंदी जीएसटी तो फलाना इस तरह से आप इसको मटवाइए, आप इसको एक व्यवहारिक धरातल पे एक कमेटी बनाइए, लोगों की राय लीजिए, अच्छे से कानून लाइए और उसके बाद आप कानून सब जाकर के इसको पटल पे रखिए, रातों रात इसको आप अचंभा देने के लिए आप किसी कानून नहीं ला सकते हैं। सारे किसान के सिर्फ एक मांग है कि विश्वास बहाली के लिए पहले आप इस कानून को रद्द कर दीजिए, उन्हें ये लग जाएगा कि हाँ भाई सरकार मेरी बात समझ रही है, उसके बाद हम लोग बैठेंगे। हो सकता है कि एमएसपी को कितने परसेंट बढ़ाना है, हो सकता है आपके बिल के ज्यादातर फिर से नए बिल में आ जाए, कोई ये नहीं कह रहा है कि पूरे बिल में एकदम अपोजिट कोई कानून लाइए, लेकिन आप इसको रद्द करके ये विचार करके पूरे देश के ज्यादातर हिस्से पे पड़ने वाला कानून है। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे जो कृषि कानून आना चाहिए उसमें कृषकों की राय हो, कृषकों की राय हो, आराम से सोच विचार करके हर पहलू पे ध्यान देकर के तब लाया जाए। सरकार ने इसको नोटबंदी जैसा ये कहे कि सवेरे अखबार खुला आप लोगों की सुनी तो पता चला कि ये 3 करोड़ ठीक है। अश्वनी जी उनकी मांग है,
चंद्रशेखर जी ठीक है, समय मेरे पास कम है, चंद्रशेखर जी समय कम है, अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगी, एक लास्ट कमेंट कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी। आज अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और एक लाइन उनकी ट्वीट में जो उन्होंने लिखी वो लिखी थी, किसान आंदोलन बीजेपी के अंदर टूट का कारण बनने लगा है। कितनी सच्चाई है इसमें, तो जल्दी से खत्म कीजिएगा। देखिए ये यहाँ पर जो है अखिलेश जी का एक हमेशा ट्वीट आता है, क्योंकि वो अपने भवन से बाहर कम निकलते हैं तो ट्वीट करके ही जवाब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और संगठित पार्टी है और एक परिवार है, कोई टूट नहीं है। अभी पिछले महीने ये कयास लगाते थे, योगी जी जा रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, तो वो कयास सब कयास ही रहा। वैसे ही ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई टूट नहीं है, वो संगठित और मजबूत खड़े हैं हम, और 2022 के चुनाव में हम अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। चलिए अभिषेक जी, और आपसे भी जानना चाहूंगी अभिषेक जी, यहाँ पर मैं कि अब शक्ति प्रदर्शन की भी बात कर रहे हैं आप, आगे अब क्या करने वाले हैं, जल्दी से खत्म कीजिएगा। देखिए जिस तरीके से हमारे संयुक्त किसान मोर्चा जो तय करेगा वो निर्णय मेरे देश के किसान के लिए मान्य होगा, और मेरे देश का किसान संयुक्त मोर्चे को सपोर्ट कर रहा है, और जो हमारे संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा उसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, या तो सरकार सुधर जाए, नहीं सुधर रही है तो भैया 2022 में इलाज जरूर होगा। चलिए ठीक है अभिषेक जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था, असर इसका काफी ज्यादा देखा गया। हालांकि सरकार ने किसानों से अपील की थी कि वो आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं, लेकिन किसान भी अपनी एक ही बात पर, एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि वो अपनी तब तक वापस पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी। हालांकि अब आगे क्या कुछ होने वाला है, किसान क्या कुछ करने वाले हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।